बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर एक कश्मीरी पंडित हैं और 11 मार्च को उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडित का किरदार निभाया है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती ये फिल्म तमाम फिल्म फेस्टिवल के बाद अब भारत में रिलीज हुई है, जिसमें अनुपम खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। आज अनुपम खेर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, द कश्मीर फाइल्स मेरी गवाही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनुपम खेर ने वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा, आज मैं सिर्फ अभिनेता नहीं रहा, मैं गवाह हूँ और हैशटैग द कश्मीर फाइल्स मेरी गवाही है, जो सब कश्मीरी हिंदू जो या तो मार डाले गए या जीते जी एक शव की तरह जीने लगे, अपने पुरखों की जमीन से उखाड़ कर फेंक दिए गए, आज भी न्याय को तरस रहे हैं। अब मैं उन सब कश्मीरी हिंदुओं की जुबान और चेहरा हूँ। यहाँ देखें ये वीडियो। अनुपम खेर के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अनुपम खेर ने अपनी फिल्म पर माँ दुलारी के रिएक्शन पर कहा कि जब मैंने अपनी माँ को फिल्म दिखाई तो वो देखने के बाद खामोश हो गई और उन्होंने दो दिन तक घर पर किसी से बात नहीं की। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बचपन में उस सदमे से गुजरा हो तो उसका क्या हाल होगा। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म और कश्मीरी पंडितों का ये दर्द दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल से रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, मगर अब खबर आ रही है कि द कश्मीर फाइल्स पर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे उन दृश्यों को हटाना पड़ेगा जिनमें भारतीय वायुसेना के अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की गोली मारकर हत्या को दिखाया गया है। दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी शालिनी खन्ना के द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि फिल्म में उनके पति की भूमिका को गलत तरीके से दिखाया गया है। रवि खन्ना की पत्नी की याचिका में उन्होंने कोर्ट से फिल्म से उन सीन्स को हटाने की मांग की थी जिनमें उनके पति सहित चार वायुसेना कर्मियों की हत्या को दिखाया गया। रवि खन्ना की पत्नी का कहना है कि फिल्म में ये सीन वास्तविक तथ्यों से अलग है।